दोस्तों मैं अमोल कासार आपका इस सेशन में स्वागत करता हूँ। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक आईसीएसई का नया नोटिफिकेशन जो सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम हमारा 29 अगस्त को होने वाला है उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। पहले आईसीएसई ने कहा था कि आप लोग कोई भी ब्राउजर से वो साइट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अब नई अनाउंसमेंट के हिसाब से आपको कंपल्सरीली सेप एग्जामिनेशन ब्राउजर SEB को ही इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके लैपटॉप और PC में जो भी होगा। तो पहले मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ता हूं और स्टेप बाय स्टेप ये 10 मिनट का लेक्चर होगा दोस्तों, 10 से 15 मिनट पूरा लेक्चर सुनना, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी करके। जिन्होंने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा एटलीस्ट या फिर बोलते ना कि उनको एक अंदाजा आ जाएगा कि करना क्या है, और जिन्होंने खुद भी पढ़ के रखा होगा एक आधा पॉइंट उनको नया समझ गया तो अच्छी बात है। और 10-15 मिनट आप अगर 2 की स्पीड पे देखते हो तो ऐसे भी ये लेक्चर आपका 6-7 मिनट में खत्म भी हो सकता है। सो बिना समय गवाए हम लोग का नोटिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर क्या कहा था हम लोग उसको फटाफट पढ़ लेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अटेंशन कैंडिडेट ऑफ द सीसीट अगस्त 2020 सेशन, क्या कहा है कि कंपलसरी इंस्टॉलेशन ऑफ सेप एग्जामिनेशन ब्राउजर ठीक है छोड़ दो। दिस इज टू बी इन्फॉर्म ऑल द कैंडिडेट रजिस्टर फॉर अपेयरिंग इन CSEE शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 29 अगस्त 2020 टू रिमोट प्रोटोकॉल प्रोक्टर्ड मोड दैट इट इज कंपलसरी फॉर देम टू इंस्टॉल व्हाट सेप एग्जामिनेशन ब्राउजर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इन देयर लैपटॉप डेस्कटॉप बिफोर हैंड थ्रू विच दे शाल बी अपेयर इन द टेस्ट। ये कंपलसरी है, अगर आप कोई भी दूसरे ब्राउजर से जैसे क्रोम पे आपने सर डाल दिया साइट चलेगा क्या, डेफिनेटली नहीं चलेगा, इसी ब्राउजर के अंदर आपको जाना है, ये इंस्टॉल कर लेना है। सर कैसे हम वो चीज़ करेंगे, तो दोस्तों आपको मेल आया होगा, मेल चेक कीजिए, जिन्होंने मेल चेक कर लिया अच्छी बात है राइट, नहीं तो अपने जो भी नज़दीकी ब्रांच होगी इंस्टीट्यूट उनको हेल्पलाइन पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको वो बता देंगे, ये PDF सेंड कर देंगे, ये PDF भी अगर आपके पास आ गई तो भी आपको उससे बहुत हेल्प होगी। दोस्तों ये जो लिंक है आपको दिख रहा है, इस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो सीधा आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हो करके जो मैं अभी आने वाला हूं। यस यहां पे लोग आप यहां पे आ जाओगे इस पेज पे, यहां पे आपको देखो दिख रहा है सेप एग्जामिनेशन ब्राउजर SEB एंड रिमोट प्रोक्टर्ड टेस्ट इंस्ट्रक्शन, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, आपका पूरा अटेंशन यहां पे होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले क्या दिया है, स्टेप वन, आपको इसी PDF में एक लिंक दी है, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हो लाइक देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आपको वो एक साइट पे लेके जाएगा, जैसे कि आपको आपका CSEE का रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक ID वहाँ पे डालना है एंड डेट ऑफ बर्थ, वो ये दो चीज़ें वहाँ पे फिल कीजिए और क्लिक कीजिएगा। जैसे आप ये क्लिक करते हो दोस्तों आप एक राइट ये वाली बात आपके सामने आ जाएगी। सी क्या है, ड्यूरिंग डाउनलोड द एंटीवायरस योर सिस्टम में प्रॉम्प्ट यू टू रीकन्फर्म डाउनलोड एज इट XE फाइल, डू नॉट वरी इट्स वेरी सेफ टू डाउनलोड एंड द रन दैट फाइल, दिस फाइल इज नीडेड ओनली फॉर द एग्जाम एंड नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम यू मे गो टू कंट्रोल पैनल एंड अनइंस्टॉल द सेम। उन्होंने कहा कि एग्जाम पर्पज के लिए फाइल दिया है, अगर आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया है तो आपको मे बी वो एक बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन दे कि सेफ है कि नहीं, आप टेंशन मत लो, बिंदास आगे जाइए और उसको इंस्टॉल करिए करके, और एग्जाम पर्पज के लिए दिया है, बाकी कोई यूज नहीं होगा। जैसे आप इंस्टॉल करते हो दोस्तों मैं जूम कर रहा हूँ देखना, ऐसे कुछ तो सेप लाइट SEE LITC ये आपका एक फाइल आपके डेस्कटॉप पे दिखना चालू हो जाएगा, देखते हैं क्या है। डबल क्लिक ऑन, आपने लॉगिन करने के बाद ये वाला फाइल इंस्टॉल कर लिया तो देखना क्या कहा है उन्होंने, पढ़ते हम लोग। डबल क्लिक ऑन सेव लाइट टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन, यू विल गेट द फॉलोइंग पॉपअप विंडो दैट विल से विंडो प्रोटेक्टेड योर PC, क्लिक मोर इन्फो टू शो मोर अबाउट एंड क्लिक ऑन रन अवे टू इनिशिएट द प्रोसेस। उन्होंने कहा है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, नीचे देखिए ऐसे कुछ पॉपअप आएगा, अलग अलग विंडो 7 विंडो 10 अलग अलग PC के किसी के कन्फिग्रेशन रहेंगे, डोंट वरी आपको इन्फो पे जाना है, रन अवे पे क्लिक करना है, बाकी की सारी चीज़ें वो प्रोसेस अपने आप हो जाएगी। ये कुछ ज़्यादा टेक्निकल मतलब इतनी ज़्यादा कोई मतलब सिंपल सी बात थी, फिर आपको नेक्स्ट 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 करना है और फिनिश करके वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। सर इतनी सी बात थी, यस सर। रन टाइम यू विल एबल टू सी शॉर्टकट आइकॉन ऑन डेस्कटॉप से SEE लाइट सेव लाइट रिपेयर टू, प्लीज डबल क्लिक ऑन सेव लाइट टू शॉर्ट आइकॉन। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे वो चीज़ को आपको करना है वो भी उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है, आपको आइकॉन दिखेगा ये देखो ये वाला दिख रहा है, यस सर। तो इस आइकॉन पे आप डबल क्लिक करोगे सो आपको एक नया विंडो आएगा, क्या है देख लेते हैं करके दोस्तों। यस
आपको पूछा जाएगा डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम अननोन पब्लिशर टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, तो आपको यस पे क्लिक करना है, इतना याद रखना। यस सर, तो आपने जैसे यस पे क्लिक करोगे आप लोग आगे जाते हो और इंपॉर्टेंट नोट दी है उन्होंने, प्लीज डू नॉट अनइंस्टॉल सेब लाइट अंटिल योर एग्जामिनेशन इज कंप्लीटेड। एक बार आप इंस्टॉल कर रहे हो ऐसा नहीं कर क्लिक मार दिया, एक दिन वेट करो, जैसे एग्जाम हो जाए 30 तारीख को भले आप अनइंस्टॉल कर दो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने प्रिकॉज मतलब एक्स्ट्रा बता के रखा है करके, कोई बात नहीं। नाउ जैसे आप उसको यस बोलते हो कुछ बातें आपके सामने आएगी दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूँ शांति से ध्यान देना करके। नाउ इंटर योर लॉगिन डिटेल्स लाइक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, सिलेक्ट द चेक इन चेक बॉक्स एंड क्लिक ऑन साइन इन। नोट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन 15 मिनट्स प्रायर टू द स्टेपुलेटेड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है सुबह 8 बजे बैठे एग्जाम्पल, तो आपने 7:45 7:45 को लॉग इन का प्रोसीजर चालू कर देना है। सो कुछ भी अगर दिक्कतें आती, कोई टेक्निकल इशू आता है, वॉट एवर, आप पहले प्रिपेयर रहोगे करके, राइट? क्या करना है, देखो विंडो आपको दिख रहा है, लॉगिन आईडी पासवर्ड वहां पे सेट करना है, वो बॉक्स में क्लिक करके यस आई कंफर्म माय अटेंडेंस बाय लॉगिन और साइन इन कर देना है, आपको एक्सेस मिल जाएगा करके दोस्तों। ओके 24 को मॉक टेस्ट है, 26 को भी मॉक टेस्ट है, शायद से जो भी होगा आप लोग तब प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। क्या करना है सर, उसके बाद जैसे ये चीज़ आप करते हो आपका रोल नंबर जो भी आपको दिया होगा एंड फोटो विल बी डिस्प्ले, सिलेक्ट द चेक बॉक्स एंड क्लिक कंटिन्यूस बटन। यस यस, कहाँ पे सर, यहाँ पे अटेंशन, जैसे आपने ये प्रोसीजर किया तो आपका फोटो वगैरह डिस्प्ले होगा, आपको बस क्या करना है, कंटिन्यू करते जाना है। जनरल इंस्ट्रक्शन सर आपको, फिर वो कंटिन्यू करने के बाद कुछ ऐसे ऐसा बताएंगे कि कितने क्वेश्चन रहने वाले, 140 क्वेश्चन हो गए, 120 मिनट आपको मिल रहे हैं वो सॉल्व करने में, देर आर 4 सेक्शन एंड ब्रेकअप आर मेंशन बिलो, 4 सब्जेक्ट के नाम दे दिए है, राइट? कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो दिया, ये जनरल बातें आपको ऑलरेडी ये पता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं गवाते हैं करके दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देना एग्जाम में ओरिएंटेड। You can submit your test only after 90 minutes from the start time of the exam. However, if the test time is elapsed, the system will automatically submit your test. याद रखना, मतलब सर मैंने टेस्ट चालू किया, मेरा 60 मिनट में पेपर खत्म हो गया, एक घंटे में कितना टाइम मिला है, 120 मिनट, एक घंटे में पेपर खत्म हो गया, आप सबमिट नहीं कर सकते, एटलीस्ट मिनिमम 90 मिनट तक आपको वहां पे क्या करना है, बने रहना है। और चलो सर मेरा टाइम ही नहीं पूरा रहा, 140 MCQs है, 120 ही मिनट है, 100 मैं देख रहा हूँ, मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँ क्या, नहीं राजा ये सिस्टम है, जैसे तेरा टाइम खत्म वो अपने आप बंद हो जाएगा करके, मतलब पेपर तेरा अपने आप सबमिट हो जाएगा। ओके डू नॉट क्लोज एनी विंडो व्हेन यू आर टेकिंग द टेस्ट। यस, कि आपको कोई क्लोज मतलब एक बार ओपन कर दिया उतने तो आपको पता है कि आप लोग बट ऑब्वियस कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करोगे उसके साथ। याद रखना आफ्टर रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट चेक बॉक्स एंड क्या करना है, क्लिक करना है स्टार्ट एग्जाम पे, वो तो बट ऑब्वियस सी बात है यार, आपने जैसे इंस्टॉल किया तो आप टेस्ट चालू कर दोगे करके। यस, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना करके। नोट यू आर टेस्ट टेकिंग एक्शन बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड बाय रिमोट प्रॉक्टर ड्यूरिंग द टेस्ट। बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट द मैंडेटरी टू शेयर द कंटेंट ऑफ योर स्क्रीन बाय क्लिकिंग ऑन द शेयर, आफ्टर सिलेक्टिंग स्क्रीन प्रीव्यू योर इंटायर स्क्रीन टैब ऑफ द पॉपअप। तो याद रखना कि आपको वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन शेयर करके या शेयर करके, वो आप ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा, जैसे आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपका पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप कुछ भी गलत माल प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। द प्रोग्राम विल चेक द सिस्टम स्पेसिफिकेशन, अलाउ द एक्सेस टू वेबकैम माइक्रोफोन ऑन द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑन क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। क्या क्या होगा सर, आपका माइक्रोफोन चेक किया जाएगा, आपका वेबकैम का कैसे एक्सेस मतलब सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें वो टेस्ट कर लेगा प्रोग्राम, जैसे आप ये चीज रन करोगे तो। यस दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है दिया है। द सिस्टम विल प्रॉम्प्ट यू टू टेक फोटो, क्लिक ऑन फोटो, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द इमेज क्लिक नेक्स्ट टू द कंटिन्यू। मतलब आपने जो वेबकैम ऑन किया है ना, उससे आपका फोटो क्लिक होगा, और जैसे ही फोटो क्लिक हो आपको लगता है परफेक्ट आया है तो नेक्स्ट करना, तो वो सबमिट भी हो जाएगा। स्पेसिफिकेशन अलाउ द एक्सेस टू वेबकैम माइक्रोफोन ऑन द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑन नेक्स्ट टू कंटिन्यू। जैसे आपका ये वाला स्टेज हो जाता है, देखो आपका वेबकैम है ऑलरेडी लगा हुआ है, आप क्लिक कर देना करके, आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा, इमेज अगर सही है आपको लगता है अच्छा क्वालिटी है, नेक्स्ट क्लिक करो, बस ये स्टेज भी आपने अच्छे से पार कर लिया। ऑल द रिक्वायरमेंट चेक्स डन, कैंडिडेट कैन सी बिलो टेस्ट पेज विल विद द क्वेश्चन पेपर। जैसे आपने किया तो आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान देना करके, ऐसा कुछ तो विंडो आपके सामने, ऐसे कुछ तो आपको स्क्रीन दिखेगा और ये क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा। देखो हर सब्जेक्ट के आपको पहला पार्ट दिया है, अगर आप देख पा रहे हो तो पे अटेंशन,
बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर। आपको रिस्पेक्टिव विंडो पे क्लिक करना है, जितने जितने जो फाइल्स है जिसपे आपने क्लिक किया वहां पे आप जाओगे और वो पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे करके। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखो व्हाइट में नॉट आंसर, आंसर, मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर एंड मार्क, ये चार पॉइंट दिए हुए, कैसे सॉल्व करना आगे उन्होंने बताया सारा देखते करके। ये पेज आपके सामने आ गया, यस सर, ये हमको समझा। फिर देखो कुछ तो कहा है उन्होंने, पढ़ लेते हैं करके, राइट, एक बार पढ़ लेते हैं पेपर देने से पहले, इंपॉर्टेंट है ना, तब क्यों पढ़ के टाइम वेस्ट करें। द टेस्ट स्क्रीन विल हैव फोर ऑप्शन, सेक्शन वन एट द टॉप ऑफ द पार्ट स्क्रीन कंटेंट टेस्ट कैंडिडेट डिटेल एंड काउंट डाउन टाइम, द टाइमर विल इंडिकेट टोटल टाइम रिमेनिंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ ऑल सेक्शंस। यस, तो 120 मिनट जैसे चालू हो जाएगा आपका, जैसे जैसे एक घंटा या 60-70 मिनट आपने कर लिया तो बताएगा कि रिमेनिंग सर से 50 मिनट बाकी है, 100 मिनट कर हो गए तो आप बोलोगे यस कि 20 मिनट बाकी है, तो ऐसे आपको रिमेनिंग टाइम बताते जाएगा। सेक्शन टू है जो कंटेंट्स वेरियस सेक्शन टेस्ट टोटल क्वेश्चन फॉर ईच सेक्शन, वो बता रहा है। डिस्प्ले द लेजेंड इंडिकेटिंग द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन कंटेनिंग द बॉटम बटन्स विथ वेरियस फंक्शनलिटी, ठीक है, ये नॉर्मल बात थी जो मैंने ऊपर किया, तो ये पढ़ने में टाइम बस वेस्ट करना, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया करके, आपको समझ गया है। दोस्तों आपको लगता है अभी ध्यान से कि सर मेरे को ना पहला क्वेश्चन नहीं करने का, दूसरा क्वेश्चन करने का, सीधा सेकंड क्वेश्चन पे जाओ, होता है ना कि डिफिकल्ट है, बाउंसर गया, पहला क्वेश्चन ही नहीं समझा। जरूरी नहीं कि आप उसको उसी वक्त क्या करी कहीं करेगा, आंसर तुक्का मार दो, आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन पे आप जा सकते हो। दूसरे क्वेश्चन पे आप जैसे आंसर को स्टिक करोगे ना, वो ग्रीन हो जाएगा, तो इससे आपको कंट्रोल रहेगा कि कितने क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किए हुए हैं या कितना क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। जो अनआंसर क्वेश्चन है वो तो बट ऑब्वियस व्हाइट में ही रहेगा, लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ऑलरेडी 120 मिनट मिले, सिर्फ 140 क्वेश्चन करने हैं, सो मेक श्योर कि आपको पता है कि वो दूर दूर तक कुछ लेना देना है नहीं, और बाद में भी याद नहीं आएगा तो तभी तुक्का मार के खत्म करो, समझ रहा है ना। तो आप बोलोगे आम नंतर बगून घू, फिर आप सेकंड सेशन पे जाओगे, थर्ड सेशन पे जाओगे, मतलब राइट कि थर्ड पेपर फोर्थ पेपर पे जाओगे, और वो पीछे छूटने नहीं जाना चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मैं चाहूंगा कि आप उसी वक्त उस चीज को खत्म करे करके, राइट। तो यस, ये एक बेनिफिट है कि आपको जो ग्रीन वाले पोर्शन हो गए यहाँ पे वो आपके आंसर्ड रहेंगे, तो आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे से छूट गया है और कौन से क्वेश्चन पे मुझे वापस जाना है करके, राइट सर। आगे जाते हैं, अब देखते करके, यस बस आपको यहाँ पे ये कुछ देखो, ये है कि आपको अगर नीचे आपके विंडो भी डेस्कटॉप है, जो भी आपका स्क्रीन है उस पर देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन, अगर आपको टू पे हो पीछे जाना है तो सीधा प्रीवियस पे क्लिक करना, नेक्स्ट पे जाना है नेक्स्ट पे क्लिक करना। लेकिन एक डाउट है सर, मैंने गलती से ना क्या किया पता है, मेरे को क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन टू का बी सिलेक्ट करना था लेकिन सी सिलेक्ट हो गया, क्लिक हो गया सर, अब मैं क्या करूँ, टेंशन मत लो, उन्होंने क्या कहा है देखो यहाँ पे, टू चेंज द स्टेटस ऑफ ऑलरेडी आंसर क्वेश्चन टू अनआंसर क्वेश्चन क्लिक द बटन क्लियर। यहाँ पे देखो आपको लगता है कि मुझे आंसर खत्म हटा देना है, तो आपको ये क्लियर वाला ऑप्शन दिया है, क्लिक करना माउस से वहां पे, तो वो क्लियर हो जाएगा, आप वापस से सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब हट जाएगा उसका आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी सर। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, डिस्कस की है, राइट। आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो मुझे बाद में करना है करके, आफ्टर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन इन केस यू थिंक दैट यू कैन आंसर क्वेश्चन इन लेटर स्टेज, आपको लगता है कि मैं बाद में इसका आंसर कर सकता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना है, मार्क ऑन क्लिकिंग क्वेश्चन नंबर विल बी हाईलाइटेड इन ब्राउन कलर, आप उसको ब्राउन कलर से हाईलाइट हो जाएगा, जैसे आपको फिर लगता है कि ये आना है तुक्का नहीं लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए, मैं बाद में जैसे टाइम बचेगा इस पर थोड़ा दिमाग लगाओ तो आंसर आ जाएगा, उसको ब्राउन कलर उसको अनआंसर रहेगा, लेकिन आपको वो हिंट होगा कि ये क्वेश्चन मेरे को यार सॉल्व करना आने वाला है, नहीं चाहने वाला तो तुक्का तुरंत मार के खत्म कर दो, समझ रहा है। और जो भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट करने वाले हो दोस्तों, मैं ये हमेशा कहूंगा कि अनआंसर बिना टिक करके आने से बेटर है, हर कुछ टिक करके आओ, आंसर वहां पे लिख के आओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो प्लीज आपके 100 जितने भी क्वेश्चन 120 के 120 सब आंसर्ड होने चाहिए, यस सर, समझा। ओके, सो बस बाकी तो कुछ नहीं था, आपको यहां पे उन्होंने जो नोट आंसर क्वेश्चन है वो रेड में, वहाँ पे आगे जाओगे तो रेड कलर आते रहेगा कि भाई बाकी यहाँ पे आपने ये आंसर नहीं दिया है, तो मेक श्योर कि आप हर एक ही याद रखना कि 120 के 120 क्वेश्चन ग्रीन होने चाहिए, दैट्स इट, बाकी दिमाग मत लगाओ, समझ में आ गया, बस वहाँ पे ग्रीन होना चाहिए सर। आप आगे जा रहे हो रेड, तो इसका मतलब आपने अनसॉल्वड है, वहाँ पे जाइए करके और उसको क्लिक करो, आपको समझ जाएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, तो दिमाग लगा के सॉल्व कर दो, नहीं आ रहा तो तुक्का मार दो, लेकिन छोड़ना तो है नहीं। ओके, 90 मिनट वाला केस सिनारियो मैंने बता दिया था, अगर आपको लगता है तो एंड टेस्ट, यहाँ पे ये भी विंडो रहेगा, एंड टेस्ट करोगे तो आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, कब,
आफ्टर 90 मिनट्स, अगर आपको लगता है आपको टाइम ऐसे भी नहीं पूरने वाला है, सो 120 मिनट आप यूटिलाइज करोगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा होशियार है, हो गया 100 मिनट में पेपर, तो आप ऐसे एंड भी कर सकते हो करके, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है पहले एक बार पढ़ लेते हैं। On clicking end test, dialog box will appear showing the summary of answer and unanswered question along with the mark for review status. Press yes to proceed or no to resume. Yes, आपको लगता है कि आप sure हो, yes, आप सच में चाहते हो कि मैं आपको test आपने खत्म कर दी है, तो आप जैसे ही test को submit करोगे ना दोस्तों, ये देखो इस तरह का आपके सामने interface आएगा, वो बताएगा कि are you sure you want to end the test? बोलना yes, खत्म हो गया। ऐसे भी अभी क्या surety नहीं रखने के लिए बताएगा, हमको लगा तभी तो end button पे क्लिक किया ना, लेकिन बहुत बच्चों का गलती से अगर क्लिक हो जाता है, so ऐसे मत समझना एक बार खत्म, आपने नो क्लिक किया तो वापस रिज्यूम हो जाएगा, आप टेस्ट पेज पे चले जाओगे, तो ये भी हो सकता है। मतलब हम बोलते हैं ना कि एक रेयर टू रेयर केस में गलती से एंड पे क्लिक हो गया मजाक में, सो क्या करें सर, अब खत्म क्या, नहीं किस्सा खत्म नहीं हुआ, वो फिर भी एक लास्ट चांस देते हैं नो बोल के वापस विंडो पे चले जाना। समझ में आया सर? ये क्या बताता है, आपने सारे 120 के 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, तो यहां पे सब आ जाएगा कितने आपने अटेम्प्ट किए कितने नहीं किए करके। नॉर्मल विंडो था सर, कोई बड़ी बात नहीं। कंफर्म एंड टेस्ट, यस कंफर्म कर लेना, एक बार आपने कंफर्म किया आपका प्रोसीजर खत्म हो जाता है, आपने टेस्ट सक्सेसफुली दे दिया, अब सिर्फ रिजल्ट का वेट करना दोस्तों। यस आपने यस कंफर्म कर दो, जैसे ही कंफर्म करोगे एक आपको ऐसे करके एक पॉपअप आएगा, योर टेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, थैंक यू, और आप भी उनको बोलना थैंक यू सो मच भाई, बहुत मजे लिए करके, पहले तो एग्जाम प्रीपोन कर दिया, प्रीपोन मतलब कि टाइम पे रख दिया, हमको लग रहा था पोस्टपोन होगा, लेकिन आपने 29 को ही बोला एग्जाम फ्रॉम होम लिया, उस पर से बोला कोई भी ब्राउजर पे चलेगा, बाद में बोला कि नहीं ये भी वाला ब्राउजर यूज करना है, बहुत सारे बातें की, तो मजे ले लिए, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका इतने सारे मजे लेने के लिए। ओके दोस्तों, जैसे आप वो सबमिट कर दोगे उसके बाद आपको मतलब बाहर निकलना है, राइट। अब आपको जब बाहर निकलना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एस्केप इस दो बटन को क्लिक करना, आप उस सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाओगे सेफ एग्जाम ब्राउजर से। एंड प्लीज रन रिपेयर टूल टू आइकॉन आर नॉट विजिबल आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम सेफ। तो ठीक है, आपको इतना ही है कि आपको बाहर आ जाना है, विषय खत्म हो जाएगा। क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट, ये पढ़ लेते हैं कि क्या है सर, एक बार टाइम दिया है तो आपने इतना टाइम दिया और दो मिनट सही, क्या पॉइंट है, एग्जाम यहाँ पे सबमिट हो गया है आपका अभी। वन कंप्लीशन ऑफ टेस्ट देर विल बी क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट दैट विल जनरेटेड डिटेलिंग द वेरियस इवेंट दैट हैव ऑकर्ड ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट द ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द टेस्ट एंड क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट विल बी क्रिटिकली एनालाइज ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट फॉर क्रेडिबिलिटी चेक। वो ना पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट आएगा बोला था ना वैसे करके, वो वाला बात है, ठीक है, अपने को कुछ टेंशन नहीं लेने का। डू एंड डोंट्स ऑफ क्या रिमोट प्रोक्टर्ड एंट्रेंस टेस्ट, ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बता दिया था लेकिन अब आई गए यहाँ तक तो सुन लेते हैं करके। द वेब कैम मस्ट बी इंस्टॉल स्ट्रिक्टली इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम प्रेफरेबली ऑन द टॉप ऑफ द मॉनिटर टू शो योर फेस क्लियरली एनी अदर फॉर्म ऑफ कैमराज इंस्टॉल आर नॉट परमिटेड एंड विल बी लाइबल फॉर नेसेसरी एक्शन। तो यस आपने प्रॉपर जो ये लैपटॉप है तो इसके ऊपर ही वेब कैम लगाना ताकि सही तरीके से एक्सेस मिल सके और कोई भी दूसरा अलग अलग एंगल से नहीं चलेगा करके। द कैंडिडेट फेस मस्ट बी फुल्ली व्यू ऑफ द कैमरा एंड नॉट पार्शियल और कंप्लीट एग्जिस्ट फ्रॉम द कैमरा फील्ड ऑफ द व्यू इज परमिटेड। मतलब आप कोई भी ऐसे हटने जाओगे वहां से दो मिनट के लिए सर ऐसा हो गया ऐसा नहीं चलेगा, आपको उसी तरह उसी एंगल में बैठे रहना है करके। द कैंडिडेट फेस शुड बी इन द सेंटर ऑफ द वेबकैम फील्ड थ्रू आउट द एग्जाम ड्यूरेशन। जब तक वो एग्जाम दे रहा है आपका फेस उसी मतलब हाँ यार फेस हिला सकते हो बट उस डायरेक्शन में, आप तो लैपटॉप से उठ के सर दो मिनट साइड में चलेंगे नहीं चलने वाला है। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दिस his or her face is evenly light and there should be no not be light source behind candidate face. Yes, कि ऐसा ना हो चाहिए कि आपने पीछे लाइट लगा दिया। एक्चुअली अगर आपने पता होगा कभी आपने नॉर्मल फोटोज भी खींचे हैं तो सनलाइट के अपोजिट में अगर आप फोटो खींच रहे हो फोटो अच्छे से नहीं आता, समझ में आ रहा है एक बार, तो इसमें पीछे लाइट मत लगाना, सामने होगा चलेगा सर, पीछे लिया तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा सही तरीके से, रिकॉर्ड नहीं होगा आपका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा, तो ध्यान रखना गलती से भी पीछे लाइट मत लगा के बैठ जाना, नहीं तो सर यहाँ पे लाइट है मैं लैपटॉप लेके बैठ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हेयर क्लोथिंग हैंड एवरीथिंग एल्स शुड नॉट बी कवर द फेस एरिया एट द पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू आउट द टेस्ट ड्यूरेशन। सर मैं मास्क लगा के बैठू क्या, कोरोना चल रहा है बेटा क्लियरली, क्या ऐसे कुछ गलती मत घर पे बैठे ढोक लो, ऐसे तुम मास्क लगा के बैठोगे उन्होंने क्या कि उसको कुछ कवर मत करना करके। सनग्लासेस नॉट टू बी वर्न ड्यूरिंग द टेस्ट ओनली ट्रांसपेरेंट एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग लेंसेस ग्लासेस आर अलाउड। आप लोग काला चश्मा पहन के बैठ गए चलेगा नहीं चलेगा। द कैंडिडेट शुड टेक द टेस्ट सॉलिट्यूड विद लिस्ट नो डिस्टर्बेंस एंड देयर शुड बी नॉट बी एनीवन एल्स इन द रूम अपार्ट फ्रॉम द कैंडिडेट। वाह वाह ये तो बहुत मजे लिए,
अब जिसका एक ही रूम है वो बेचारा क्या करेगा, बोलेगा घर वालों को तुम बाहर जाके बैठो। मतलब कुछ कुछ पॉइंट है जो लगता है कि यार कैसे, लेकिन ठीक है उन्होंने कहा है तो आवाज़ करने को मत कहना, बाकी घर में रहे तो भी चलेगा लोग। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू लीव वर्क प्लेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड मे रिजल्ट इन टर्मिनेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन और अदर एक्शंस एज डीम अप्रोप्रिएट। द एग्जाम मस्ट बी टेकन इन सेप एग्जाम ब्राउजर ACB से ही होना चाहिए करके विथ फुल स्क्रीन विंडो। द मटेरियल एंड कंटेंट ऑफ द एग्जामिनेशन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी वे। डू नॉट यूज अनफेयर मीन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन लाइक मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और ऐप सपोर्ट यूजिंग गूगल एक्सेट्रा। इट कैन रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन। आपको अगर आपने कोई ऐसे कांड किया, मोबाइल वगैरह या फिर गूगल या फिर ऐसे कुछ भी जुगाड़ करने का ट्राई करो, पकड़े गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्जाम से। एंड यस, इस लास्ट पे उन्होंने एंड किया है, वी विश यू ऑल द बेस्ट। उनको बोलना थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत उपकार किए हैं, राइट। इतनी सारी बातें बता के अपना यहां पे उन्होंने ये PDF का काम खत्म किया है दोस्तों। तो इतना ही ये PDF था। क्या कहा है सर इन्होंने आपको एग्जाम में जाने से पहले, ये मेरा जो ये मैंने लेक्चर बनाया, अगर एक बच्चे को भी फायदा हो जाता है ये देख देख के, राइट। कि बहुत बार ना चीजें समझना आसान होती है, सिर्फ कोई तो बताने वाला चाहिए कि हाँ सर ऐसे ऐसे कर लेना, तो आपको समझता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार अब ऐसे ही जाना है करके, ठीक है। सो होप्स आपको इसका फायदा हुआ होगा। मैं इसी सेशन के साथ रुकता हूं, और भी कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।